हिंगनघाट के सीएनआई चर्च में ख्रिस्ती बांधव ने दुनिया को शांतता और प्रेम का संदेश देने वाले यीशु का जन्मदिन उत्साह में मनाया है। ख्रिस्ती बांधव का क्रिसमस इस त्यौहार गुरुवार की रात को शुरुआत हुए, तब से शहर के सीएनआई चर्च में दुनिया को शांतता और प्रेम का संदेश देने वाले यीशु का जन्मदिन पूरी उत्साह के साथ मनाया गया। अनुयायियों ने यीशु की याद में अपनी प्रार्थना की और ख्रिस्ती बांधव ने अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाया, साथ ही भगवान यीशु को याद किया। इसी चर्च का मेंबर हूँ। अच्छा रहा, लेकिन महामारी के वजह से थोड़ा संख्या थोड़ा कम था, लेकिन ऐसे अभी थोड़ा भीड़ कम था इस साल, लेकिन पर भी प्रभु की दया उसका अनुग्रह है कि लोग अभी तक आते रहें, धीरे धीरे आते रहें कम संख्या में, और ऐसे ही अपना क्रिसमस इस साल होता रहा। अभी चल ही रहा है, लोग एक दो आ ही गए। से सदस्य हूँ मैं, कमेटी में एज ए ट्रेजरर काम करता हूँ। सादगी भरा, जैसे कोरोना का काल चल रहा है, जो कि हमारा सोशल डिस्टेंस है, जो कि गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर इसका यूज इस्तेमाल किया गया और दूरियां बना के रखी। फर्क गिरा है, जो महामारी जो चली है इसके लिए जो सावधानियाँ हैं वो सावधानियाँ आने से इतना रश नहीं हो पाया, लेकिन लोगों ने आके यहाँ पे दर्शन लिए, पास्टर साहब ने उनके लिए दुआ प्रार्थना किया और आशीष लेकर वो गए। NBC News के लिए हिंगनघाट से रवि एनोरकर की रिपोर्ट।